कैथल में पराली जलाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खेतों में पराली में लगाई जा रही आग के मामले आने के बाद फिर से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में जिला नागरिक अस्पताल में सांस के साथ आंखों के मरीजों की ओपीडी बढ़ गई। चिकित्सकों ने सांस के मरीजों को इस मौसम में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। पहले तो यह कि लोगों में जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है कि पराली के अवशेष ना जलाए जाएं, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। सांस की दिक्कत हो सकती है जिन्हें जो चेस्ट रोग छाती रोगों से पीड़ित होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है कईयों को। दूसरा है कि आंखों में इससे जलन हो सकती है, आंखों में पानी आने की समस्या हो सकती है, राह चलने वालों को परेशानी होती है, खास करके टू व्हीलर्स वालों को। तो एक तो लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, दूसरा जिनको अगर परेशानी होती है लोगों को सांस में दिक्कत है तो सुबह शाम आप मास्क का प्रयोग करें, आंखों को लगातार पानी से आप धोते रहें, साफ करते रहें, पानी के छींटे लगाएं, आंखों की सफाई होती है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा समस्या अगर उत्पन्न होती है, इसकी वजह से जलन है, दर्द है, सिर में दर्द हो सकता है, आंखों में लाली आती है, तो अगर ज़्यादा समस्या होती है तो आप किसी भी अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से संपर्क करके इसका इलाज आप ले सकते हैं, और आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, कैथल जिले की बात करें तो इसके लिए हमने पूरी टीमें गठित की हुई हैं, ब्लॉक लेवल की भी हैं और विलेज लेवल की टीमें हैं, वो गांव-गांव में जाकर किसानों को अवेयर भी कर रही है। इसके अलावा हमारी मोबाइल वैन भी चल रही है जो जागरूकता अभियान चला रही है, और जहां तक मामले की बात है, अब तक 97 मामले कैथल जिले में आए हैं, उनमें हमने 59 पे फाइन कर दिया और 32 जो लोकेशन है वो नोट फाउंड है, उसकी रिपोर्ट भी हमने हेडक्वार्टर को भेज दी है। इसके अलावा 3-4 जो है वो अंडर प्रोसेस हैं, उसका आज हम कार्रवाई करते हैं। सर, वजह क्या लग रही है जहाँ शाम होती है लोग किसान पराली जलाना शुरू करते हैं, विभाग भी सतर्क है, मामले दर्ज होते हैं, तब क्या है? जी देखिए, इसमें किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं किसान जला देते हैं और उन पर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।